मुगल एम्पायर और मराठा एम्पायर ये दोनों भारतीय इतिहास के सबसे बड़े और ताकतवर साम्राज्यों में गिने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इन दोनों साम्राज्यों की सरहदें अपने समय में उरुज पर थी और इन दोनों साम्राज्यों के शासकों ने हिंदुस्तान पर कई लंबे समय तक शासन किया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दो एम्पायर्स यानी कि मुगल एम्पायर और मराठा एम्पायर के बीच कंपेरिजन करेंगे और हर उस बात को जानेंगे जो इन्हें अलग बनाती है। मुगल एम्पायर की शुरुआत सन 1526 में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने की थी, जो कि फरगाना का शासक था। बाबर ने अपने 12,000 सैनिकों के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत हासिल की और दिल्ली सल्तनत को खत्म कर मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी। वहीं मराठा एम्पायर की शुरुआत सन 1674 में छत्रपति शिवाजी ने की थी, जो कि आदिलशाही सल्तनत के मिलिट्री कमांडर शाहजी के बेटे थे। तो बाद में इन्होंने मराठा जनजाति को इकट्ठा कर मराठा एम्पायर की नींव रखी। मुगल एम्पायर हिंदुस्तान पर करीब 330 सालों तक कायम रहा। वह इन 300 सालों में से 1556 से लेकर 1707 ईस्वी तक इस एम्पायर का गोल्डन एज रहा। वह इस बीच मुगल सल्तनत ने खूब तरक्की की। वहीं दूसरी ओर मराठा एम्पायर ने करीब 144 सालों तक दक्षिणी भारत पर शासन किया। वह औरंगजेब आलमगीर की मृत्यु के बाद यह एम्पायर हिंदुस्तान के कई हिस्सों में फैला। मुगल एम्पायर पूरे हिंदुस्तान सहित पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के कई हिस्सों में फैला हुआ था। वहीं मराठा एम्पायर शुरुआत में दक्षिणी हिंदुस्तान में व पानीपत के तीसरे युद्ध से पहले उत्तरी हिंदुस्तान के कई हिस्सों में फैला हुआ था। दोस्तों अगर मुगल एम्पायर की सेना के बारे में बात की जाए तो औरंगजेब आलमगीर के समय मुगल सल्तनत के पास करीब 9 से 10 लाख पैदल सैनिक व 3 लाख घुड़सवार सैनिक मौजूद थे, जो कि आज के हालत में कई ताकतवर देशों की सेनाओं से भी ज्यादा है। वहीं मराठा एम्पायर में करीब 3 लाख पैदल सैनिक मौजूद थे, जिनमें 70,000 के करीब घुड़सवार सैनिक भी थे। मुगल एम्पायर के सबसे ताकतवर शासकों की बात की जाए तो इनमें सबसे पहले औरंगजेब आलमगीर का नाम आएगा। औरंगजेब मुगल एम्पायर के सबसे ताकतवर बादशाह थे। इन्होंने करीब 49 सालों तक मुगलिया सल्तनत पर शासन किया। वहीं 49 सालों में ही मुगलिया सल्तनत अपने उरूज पर पहुंची। औरंगजेब के अलावा इस सल्तनत में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे मशहूर शासक भी हुए। तो वहीं दूसरी ओर मराठा एम्पायर के सबसे महान शासकों में छत्रपति शिवाजी, संभाजी और साहूजी जैसे शासक शामिल है। अगर इनमें से सबसे महान शासक की बात की जाए तो छत्रपति शिवाजी का नाम सबसे आगे रहेगा, क्योंकि इन्होंने न सिर्फ मराठा एम्पायर की शुरुआत की थी बल्कि बिखरी हुई मराठा कौम को भी एक किया था। दोस्तों मुगल एम्पायर के शासकों को बादशाह कहा जाता था, जबकि मराठा एम्पायर के शासक पेशवा कहलाते थे। मुगल एम्पायर की शुरुआती राजधानी आगरा रही और बाद में 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली को बनाया। तो वहीं दूसरी ओर मराठा एम्पायर की शुरुआती राजधानी रायगढ़ रही और बाद में पुणे को मराठा सल्तनत की राजधानी बनाया गया। मुगल एम्पायर के काल में हिंदुस्तान के अंदर ताजमहल, लाल किला और बुलंद दरवाजे जैसी बेशकीमती इमारतें बनवाई गई। वहीं अगर मराठा एम्पायर की बात की जाए तो मराठा काल में ऐसी कोई बेशकीमती इमारत नहीं बनवाई गई जो कि आज के हालत में मशहूर हो। दोस्तों अगर मुगल सल्तनत की करेंसी के बारे में जाना जाए तो पता चलता है कि मुगल दौर में मुख्य करेंसी रुपया थी। मुगल दौर में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलते थे। वही मराठा एम्पायर की मुख्य करेंसी भी रुपया ही थी। वह मराठा सल्तनत में भी सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलते थे। मुगल एम्पायर जो कि अपने समय का सबसे बड़ा एम्पायर था, वह इसी के साथ इसके कई दुश्मन साम्राज्य भी थे, जिनमें ईस्ट इंडिया कंपनी, फारसी सल्तनत और मराठा एम्पायर शामिल है। वहीं दूसरी ओर मराठा एम्पायर के मुख्य दुश्मन मुगल एम्पायर और ईस्ट इंडिया कंपनी थी। दोस्तों अब हम बात करते हैं इनके खात्मे के बारे में कि किस तरह हिंदुस्तान के ये बड़े एम्पायर हिंदुस्तान की सरजमीन से खत्म हो गए। सन 1707 में औरंगजेब आलमगीर की मृत्यु के बाद मुगलों की शक्ति हिंदुस्तान से कम होने लगी और धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में फैला ये साम्राज्य सिर्फ उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों तक सीमित रह गया। वह सन 1857 की क्रांति के नाकामयाब हो जाने के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने मुगल एम्पायर को खत्म कर दिया। तो वहीं मराठा एम्पायर पानीपत की हार के बाद कमजोर हो चुका था। वह आखिर में मराठों में इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वह अंग्रेजों से लड़ सके। वह इसी कारण थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में मराठों की हार के बाद अंग्रेजों ने मराठा एम्पायर को भी खत्म कर दिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये कंपेरिजन वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।